आप लोग ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। प्लीज हमें मदद कीजिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए। ऐसे अटैकर्स को सजा मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक है गाइस। इस बात के महीने में मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, आप लोग का रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा होगा और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हमारा भी रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। तो गाइस, इसी पाक के महीने में मैं आप लोगों से कुछ मांगना चाहती हूँ, ये कि प्लीज़ आप लोग अपनी दुआओं में याद रखें मुझे और मेरी इससे जितनी भी लड़कियाँ, जितने भी लड़के हैं जिन पे एसिड अटैक हुआ है, उनके लिए मैं आवाज़ उठाती रहती हूँ। तो आज का जो है मेरा ये वीडियो थोड़ा सा उस पर भी है। तो आज पाक के महीने पर मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है कि मुझे कामयाबी मिलेगी। और गाइस, आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें आप लोग, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वीडियो सरकार तक पहुँचे, किसी भी अच्छे इंसान के पास पहुँच जाए जो हमारी मदद करे। तो मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जो ऐसे अटैकर्स हैं, जिन लोगों ने हम पे ऐसे अटैक किया है, उन लोगों को आज तक सजा नहीं मिला, खुलेआम घूम रहे हैं वो लोग। हमारी तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई ना, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी तो जॉब भी नहीं गई, हमारी दोनों आँखें ख़राब हो गई, चेहरा ख़राब हो गया, देख नहीं सकती, कहीं पर जॉब नहीं कर पाती। अगर कहीं जॉब के लिए भी जाओ तो यही बोल दिया जाता है कि चेहरा ख़राब है और आँख ख़राब है, तो कैसे करेंगे, देख नहीं सकते तो कैसे करेंगे। ये मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे सर्वाइवर्स जिनके साथ ऐसा होता है, जिनका चेहरा देख के उनको नौकरी नहीं दिया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि उनकी आंखें ठीक नहीं तो वो नौकरी कैसे करेंगे। तो आप लोग एक मौका तो दे के देखिए, आप लोग एक मौका दीजिए, देखिए कर सकते कि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक सर्वाइवर ना कर सकते, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब एक इंसान को, आप लोग गैस करें कि अगर नॉर्मल से अगर थोड़ा सा गर्म पानी भी आप लोग पे गिर जाए तो कैसा फील होता है, अगर माचिस की तिल्ली थोड़ा सा सट जाए तो कितना दर्द होता है, कैसा फील होता है, गर्म चाय किसी के हाथ पे गिर जाए तो कैसा फील होता है। हमें तो जिंदा तेजाब से नहला दिया गया है, जिसकी वजह से रिजल्ट आप देखे सामने ही आपके, किस तरीके से चेहरा खराब हो गया, किस तरीके से पूरे जिस्म का बर्बादी हो चुका है, देख नहीं सकते, चेहरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेन आंखें तक नहीं बची। अफसोस रहती इसी बात का कि काश एक आंख भी बच जाती, शायद मैं फिर अपने बच्चों को ठीक से देख सकती। आज मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, लेकिन आज तक मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही हूँ। मुझे कितना दुख होता होगा, मुझे कितना तकलीफ होता होगा, मैं तो रोना भी नहीं, मैं रोना चाहती हूँ लेकिन मैं रोती भी नहीं हूँ। क्या करूँगी रो के, कि मुझे क्या रोने से मेरी विजन मुझे मिल जाएगी, क्या रोने से मुझे मेरा पहले वाला चेहरा मिल जाएगा? नहीं ना, नहीं मिलेगा। तो मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले, जो हमारा गुनहगार है उनको सजा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो आज ये पाक के महीने में, रमज़ान के महीने में मैं ये वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरे वीडियो देख रहे आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सअप के स्टेटस में लगाए, ग्रुपों में डालें, फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर करें, ताकि किसी एक के मदद से कितनी ज़िंदगियाँ बच सकती है, कितनी ज़िंदगी आबाद हो सकती है, आप लोगों का आइडिया भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना इस वीडियो के माध्यम से ये सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो जो ऐसे अटैकर्स, उन सबको आप सजा, कड़ी से कड़ी सजा दें, और जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको सरकारी नौकरी आप लोग प्रोवाइड करें, भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स से उन सबको सरकारी नौकरी दिया जाए, जिनके पास घर नहीं है उनको घर के लिए मदद दिया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जितने भी मेरे वीडियो, जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस सारी नौकरी प्रोवाइड कराएं, जिन्होंने अपना घर तक बेच दिया ट्रीटमेंट में, उनको आप घर के लिए हेल्प करें। सरकार से मेरी इतनी विनती है कि प्लीज़ हमें एक मौका दीजिए, हम नौकरी कर सकते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हमारा भी पैर हाथ है, हम भी काम करना चाहते हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अगर हमारी आंखें ख़राब हो गई है, हमारी गलती नहीं है, जिस इंसान ने किया है उसको सज़ा भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो गाइस, मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और हमें हेल्प मिल सके आप इतना कोशिश ज़रूर करें। आपकी एक हेल्प हमारी चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी ऐसे सर्वाइवर्स हैं उन सबको सरकारी नौकरी मिल पाए, और वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे जी पाए,
क्योंकि जब हमारे पास नौकरी नहीं तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। हमारे पास नौकरी नहीं फिर भी हम घर का रेंट कहाँ से पे करेंगे। हमारे पास नौकरी नहीं तो हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कैसे देंगे। इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ जितने भी ऐसे सर्वाइवर्स उन सबको सरकारी नौकरी मिल पाए, उनको अपना घर मिल पाए, ये सब आप लोग हेल्प करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी। अगर आप लोग और भी मेरी वीडियोस देखने तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले।